राजनीति में निराश और हताश होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये निरंतर चलने वाली चीज़ है। कब कहाँ फुटपाथ पर चले जाएंगे, कब हमको एयर कंडीशन मिल जाएगा, ये कहना मुश्किल है। ये तो जनता तय करती है, लेकिन हमको इस बात की तकलीफ सिर्फ इतनी है कि सीट शेयरिंग में ठीक से गंभीरता से हमारे शीर्ष नेताओं ने लिया नहीं, ठीक है, और आला कमान को डार्क में रखा है, गुमराह किया हमारे राहुल गांधी जी को और हमारे आला कमान के जो इंचार्ज है उनको गुमराह किया। यहाँ के इंचार्ज राज के इंचार्ज जी अंधकार। टिकट तो मेरा चला गया एयरलाइंस में गुंडा। तो सर आप टिकट वहाँ से आप खड़े हो रहे हैं जी, गोड्डा से आप हो रहे हैं सर, आपको मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं, कैसे मिलेगा, लाइन से चला गया ना। तो क्या कहते हैं सर जी, आगे क्या करेंगे सर? क्या करेंगे, पार्टी का जो फैसला है उसे मानना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि आप दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे? नहीं ऐसा नहीं, पार्टी के साथ लड़ेंगे। गलत सुन लिया आप लोगों ने, पार्टी के साथ लड़ेंगे, पार्टी के साथ नहीं। क्या बातें हुई सर, आप दिल्ली गए हुए थे इसको लेकर, क्या बातें हुई, क्या आश्वासन दिया गया सर? आश्वासन क्या देगा, हमारा सीट तो पहले ही 5-6 महीने पहले ही लोगों ने दे रखा था। नाम बता, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको राज्यसभा भेजने का वही सवाल आ रहा है, उससे कितना झारखंड में राज्यसभा जाना इतना आसान है यार, झारखंड एक स्टेट है हिंदुस्तान का, सबसे कॉस्ट देखिए तो सर क्या है, तो क्या सर अब तो सर सारा चीज़ पे पानी फिर गया, क्योंकि आप सर एक आशा लगाए हुए थे चुनाव लड़ने को लेकर, सारी तैयारियाँ थी, आशा नहीं लगाए थे, प्रबल दावेदार भी थे आप, हम प्रबल दावेदार थे और किसी तरह मैंने काफ़ी मैंने भौतिक के आधार में भी मैंने काफ़ी मत लाया था वहाँ पर, झारखंड सबसे हाइएस्ट वोट लाया था मैंने, और मेरा 5 साल मैं प्रयास ही कर रहा था, काम ही कर रहा था पार्टी का कि मेरा संगठन और मजबूत हो, है ना, मैंने काम किया, लेकिन वो सीट हमारे 5-6 महीना पहले ही हमारे जो यहाँ के इंचार्ज थे उन्होंने दे रखा था, ये भी हम तो ऐसे अलग बात को बताया कि साहब ये कॉन्स्पिरेसी के तहत सब हुआ है, ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा जी, आश्वासन नहीं है, अभी आश्वासन कुछ नहीं मिला, मैंने अपनी बात रख दिया। अगला कदम क्या होगा सर, आप नहीं चुनाव लड़ेंगे, अगले आगे क्या करेंगे कांग्रेस के साथ? अभी कैसे कहा जा सकता है, अब तो अभी सीईसी होगा, जब डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ही ना कुछ सोचेंगे क्या करना चाहिए हमको और पार्टी के लिए क्या करना चाहिए।